इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो इस समय आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार का संकट बढ़ गया है। राज्यसभा चुनाव के बाद विधान परिषद चुनाव में भी उद्धव सरकार को बड़ा झटका लगा है और इसका साइड इफेक्ट दिखने लगा है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे नाराज बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि शिंदे अपने समर्थक विधायकों के साथ गुजरात चले गए हैं और विधान परिषद चुनाव में कल जो क्रॉस वोटिंग हुई थी, जिसकी आशंका थी, उसके कारण यह संकट गहरा गया है। इस बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विधायकों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। इस पूरी मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ रौनक कुकड़े हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। रौनक, किस तरीके से यह पूरा घटनाक्रम हुआ और अब क्या लग रहा है कि महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट और गहरा गया है? जी, निश्चित तौर पर प्रणय कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह के नतीजे कल विधान परिषद चुनाव में देखने को मिले, एक बड़ा उलटफेर जो है बीजेपी करने में राज्यसभा चुनाव के बाद विधान परिषद में भी कामयाबी बीजेपी ने हासिल की है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि जो विधान परिषद के चुनाव थे वो 10 सीटों के लिए चुनाव थे और 11 उम्मीदवार मैदान में थे। बीजेपी ने 5 कैंडिडेट्स को उम्मीदवारी दी थी, इसके अलावा शिवसेना के 2, एनसीपी के 2 और कांग्रेस के 2 थे। इसमें सबसे बड़ा जो उलटफेर देखने को मिला कि कांग्रेस के विधायक जो उम्मीदवार थे उनकी उसमें हार हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो सामने निकल कर आ रही है कि इस पूरे चुनाव के दौरान शिवसेना और कांग्रेस के वोटों में जबरदस्त क्रॉस वोटिंग हुई है, सेंध मारी हुई है। और अब जो खबर सामने निकल कर आ रही है वो ये है कि शिवसेना के नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री एकनाथ शिंदे कई अपने समर्थित विधायकों के साथ गुजरात के सूरत चले गए। ये कल देर रात को ही गुजरात पहुंच चुके हैं और मुख्य तौर पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व को लेकर सवाल जो है वह उठाए जा रहे हैं। हालांकि सरकार फिलहाल अल्पमत में है, ऐसा कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के वोटों की अगर गिनती की जाए तो कुल मिलाकर 155 विधायकों का अभी सरकार को समर्थन है और सरकार चलाने के लिए 145 प्लस विधायकों की जरूरत है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अविश्वास जो है वो विधायकों का साफ तौर पर प्रणय यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने जब सरकार गठित की थी उस वक्त उनके पास 170 विधायकों का समर्थन था, अब ये संख्या घटकर 155 पर आ गई है, तो कई तरह के सवाल जो है वो खड़े होने लगे। जी जी, तमाम जानकारी के लिए रौनक आपका शुक्रिया, आप बने रहे हमारे साथ। अब सीधे रुख करेंगे मुंबई से, मृत्युंजय भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही सूरत से धनराज वागले भी बने हुए हैं। हम रुख करेंगे सबसे पहले मृत्युंजय का। मृत्युंजय, क्रॉस वोटिंग का शक जताया जा रहा है, क्या शिवसेना इस पूरे मामले पर जांच कर रही है, कुछ पड़ताल चल रही है, तो अंदरूनी एक तरीके से कहा जाए उलटफेर हो गया है, जो कुछ सोचा था वो नहीं हो पाया? प्रणय, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से देखिए आपने कहा कि क्या यहाँ पर राजनीतिक भूचाल आ गया है, तो यह कहना गलत नहीं होगा। राजनीतिक भूचाल आ गया है और उद्धव सरकार पैनिक मोड पर है और इसीलिए आनन फानन में वो विधायकों की बैठक अपने वर्षा निवास, जो सरकारी निवास है, वहाँ पर उद्धव ठाकरे ने बुलाया हुआ है। बात आती है क्रॉस वोटिंग की, तो इसकी आशंका राज्यसभा चुनाव में थी और वहाँ पर वैसे ही हुआ। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने 3 उम्मीदवारों को जिता लिया, जबकि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को बड़ा झटका लगा। तभी से ये कयास लग रहे थे कि सेंधमारी पक्की है, MLC चुनाव में भी सेंधमारी पक्की होगी और बीजेपी जिस प्रकार से कॉन्फिडेंट होकर उन्होंने मैदान में पहले 6 उम्मीदवारों को उतारा था, एक निर्दलीय व्यक्ति को भी उतारा था और उसे अपना समर्थन दिया था, बाद में उसे पर्चा वापस लिया, 5 उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन 5 को लेकर बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंट थी और यही आशंका थी कि सेंधमारी होगी। और सेंधमारी कहाँ लगी? सेंधमारी शिवसेना और कांग्रेस के वोट में लगी। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका है महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में। 2 डेवलपमेंट होने वाले हैं निश्चित तौर पर। जैसा आपने कहा कि शिवसेना अब तुरंत इसको पैनिक मोड बटन दबा चुकी है, क्योंकि उनका एक स्टालवर्ट लीडर, एक बड़ा लीडर एकनाथ शिंदे एक बड़ा नाम है शिवसेना में। उद्धव ठाकरे के बाद अगर विकल्प के तौर पर अगर कोई कहे कि सीएम फेस कोई बनता है क्या या कोई है, तो एकनाथ शिंदे का नाम हमेशा उस लिस्ट में रहता है। वो व्यक्ति अपने समर्थक विधायकों के साथ में रात को ली मेरिटियन होटल सूरत की ओर निकल जाता है और सूरत में वहां पर रुका हुआ है, तो बहुत बड़ी पैनिक बटन है। दूसरी बात, क्या एकनाथ शिंदे या उनके सहयोगियों से कोई जानकारी मिल पाई, उनकी बड़ी नाराजगी क्या है? देखिए, आपको बता दें कि रात को जब वोटिंग हुई और काउंटिंग शुरू हुई थी, उसके बाद से ही कुछ विधायकों के फ़ोन बंद होने लगे थे, लेकिन इक्का दुक्का विधायकों के फ़ोन बंद होने से शक नहीं जाता है कि कोई और वजह रही होगी या फ़ोन किसी और के पास रहा होगा। रात का समय था, काउंटिंग में काफ़ी देर हो गई, परिणाम आते आते रात को 11:30 बज गए थे, तो अनुमान नहीं था। लेकिन 12-1 बजे के बाद में जब बड़े नेता के रिएक्शंस के लिए फ़ोन करने लगे और सबके फ़ोन बंद आने लगे, नॉट रिचेबल आने लगे, तब संदेह होने लगा और फिर जानकारी मिली कि ये कई विधायक हैं जो गुजरात
की दिशा में रवाना हुए हैं, तो पता चला कि ये सभी सूरत में पहुंचे हुए हैं, एक फाइव स्टार होटल में ये तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल, कितनी संख्या है? आप बने रहे हमारे साथ। आपने कहा कि जो एक्शन है वो गुजरात शिफ्ट हो चुका है, तो हम सीधे रुख करेंगे सूरत का, जहां पर हमारे सहयोगी धनराज बागले उसी जगह मौजूद है, जहां उस होटल में जहां पर एकनाथ शिंदे अपने समर्थकों के साथ पहुंचे हैं। धनराज, जरा बताएं कब पहुंचे ये सब तमाम विधायक, कितने विधायक हैं एकनाथ शिंदे के साथ और आगे इनकी क्या रणनीति है? जी बिल्कुल, सूत्रों की ओर से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक देर रात ही वो यहाँ सूरत में आ चुके थे। एकनाथ शिंदे सहित 11 MLA सूरत आ चुके थे। तस्वीरें देख सकते हो आप, इस तरह से मैरिड इन होटल के बाहर बैरिकेड्स लगाए गए हैं और हर एक व्यक्ति की जांच हो रही है। कोई भी व्यक्ति होटल में जाने से पहले उनकी शिनाख्त हो रही है कि होटल में उनका क्या काम है, उनका रूम बुक है या नहीं, वो पूरी जानकारी लेने के बाद ही यहाँ पर एक व्यक्ति को अंदर जाया जा दिया है। यहाँ पर जिस तरह से सूत्रों की ओर से माहिती मिल रही है, एकनाथ शिंदे सहित 11 MLA गुजरात के सूरत में जो डुम्मस रोड पर आया हुआ ये जो मैरिड इन होटल है वहाँ पर रुके हुए हैं। हालांकि सुबह सुबह में सूरत के बड़े नेता के साथ उनकी एक गुप्त बैठक भी हुई थी और उसके साथ यहाँ पर जो 11 MLA मौजूद है उनको सुरक्षा व्यवस्था दी गई है। चाक चौबंद यहाँ पर बंदोबस्त आप देख सकते हो, पहले कभी भी यहाँ पर होटल मेरिडियन के बाहर इस प्रकार से बैरिकेड नहीं लगाए गए थे। पूर्णिया सिटी जानिए, पूर्णिया सिटी शहर अंग्रेजी लगे हैं। वो बहुत दूर है। प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। बाबा ने भेजा है। Come here. Curiosity. Curiosity नहीं, Curiosity. वो क्या? That's what brought you here. जो तुम्हें यहां तक ले आया। Curiosity. ABP News, आपको रखे आगे।